नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए थे उनके साथ आज प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े और उन्हें संबोधित किया। अम्बाला में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रत्न लाल कटारिया और विधायक असीम गोयल मौजूद रहे, जहां बच्चों को राहत राशि दी गई। सांसद ने कहा कि बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों ने माता पिता को खो दिया था उन बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सभी को वर्चुअली संबोधित भी किया। इस दौरान अभिभावक खोने वाले अम्बाला के 3 बच्चों को राहत राशि प्रदान की गई। अम्बाला लोकसभा से सांसद रत्नलाल कटारिया ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को 8 साल हो गए हैं, तो इस मौके पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उन बच्चों से बातचीत की जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता खो दिए थे। पीएम केयर्स से बच्चों की मदद की जा रही है। डीसी को इनका अभिभावक बनाया गया है। बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत पेश आने नहीं दी जाएगी। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज भारत माता के लाल जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूम में अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है और आज उन्होंने जब राष्ट्र को ये संबोधन दिया तो उन्होंने सबसे पहले उन बच्चों को चुना कि कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है किस तरह की ये पीड़ा होती है, ये वही अनुभव करता है कि जिस तन लागे वही जाने। तो प्रधानमंत्री जी ने इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 10-10 लाख रुपए की एक सहायता राशि और 4,000 रुपये प्रति महीने की जो है राशि देने का जो ऐलान किया हुआ है उसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम में आज अम्बाला से भी 3 बच्चे यहाँ पर आए हैं और उनमें से 2 का तो मिलिट्री बैकग्राउंड है। और जिस बेटी ने अपने माँ बाप को खोया है उस बेटी ने मिलिट्री में जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, आर्मी में जाने की, क्योंकि मैं भारत की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का भी मेंबर हूँ। तो कोविड में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं और अगर उनकी कोई आर्मी की बैकग्राउंड है तो इस विषय में भी मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से बात करूँगा कि भारत सरकार इस विषय में भी क्या कर सकती है। प्रधानमंत्री जी के ध्यान में भी जब मिलते हैं तो उनसे उनके ध्यान में भी इस बात को लाया जाएगा और हमारी कमिटमेंट है उन बच्चों के प्रति जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है। यद्यपि आज सारी दुनिया कोविड हैंडलिंग में भारत की प्रशंसा कर रही है, 200 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेशन दी है, लेकिन शुरू में जब ना हमारे पास मास्क था, ना पीपीई किट्स थी, ना वेंटिलेटर थे, तो हमारे पास सिर्फ एक टेस्टिंग लैब पूना के अंदर थी, लेकिन धीरे धीरे करके सारे भारत की जनता कोविड से लड़ने में जो है जुड़ी। हम बधाई देना चाहेंगे अपने डॉक्टर्स को और पैरा मेडिकल स्टाफ को, प्रशासन को, पुलिस को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को, कि जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है आगे आकर कोविड की इस लड़ाई में किया है और हमने सक्सेसफुली कोविड के ऊपर भारत ने जो है वो जीत हासिल की है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।